अराध्या बच्चन के बारे में हमने आपको हमेशा ये बताया है कि अराध्या बच्चन एक ऐसे स्टार किड है जो कि काफी शौकीन है, लेकिन महंगे शौक नहीं। अराध्या के शौक ऐसे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट टू नाइन न्यूज। एक बार फिर से है स्वागत आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में स्टार किड स्पेशल में। आज नन्ही परी अराध्या की कुछ ऐसी बातें हम आपके बीच लेकर आए हैं जो कि उनकी मॉमी ऐश्वर्या, उनके फादर अभिषेक, उनके ग्रैंडफादर अमिताभ से जुड़ी हैं। तीनों ही जया बच्चन से हटकर, जया सोशल मीडिया पर नहीं है, इसलिए अमिताभ, अभिषेक और ऐश्वर्या अपने घर की सबसे छोटे मेंबर, सबसे छोटे सदस्य यानी कि आराध्या को लेकर बात करते हैं। ये तीनों जब भी आराध्या को लेकर बात करते हैं, ये बताते हैं कि इन्हें वाकई में अपने घर की सबसे छोटी सदस्य पर नाज है। वो इसलिए क्योंकि शौक भी आराध्या के काफी अनोखे हैं। दोस्तों, आराध्या इस छोटी उम्र में शौक रखती हैं लोगों को सीख देने की। कोरोना के मायने अपने दादू को बताने वाली आराध्या बच्चन ने लॉकडाउन में भी किया ऐसा कारनामा कि खुद चौंक रहे थे अमिताभ बच्चन। और अपनी माँ ऐश्वर्या को लेकर क्या कहती हैं आराध्या अपने पेंटिंग के जरिए, ये भी हमारे 9 साल की उम्र में नन्ही परी आराध्या बच्चन परिवार में एक ऐसी स्टार किड हमेशा से बनी रही हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर खुद से भले कुछ बातें ना की हो, लेकिन उनकी कई बातें हैं जो ऐश्वर्या खुलकर सामने लाती हैं। दरअसल जैसा कि आप जानते ही हैं, महामारी के समय में हर किसी का धन्यवाद किया जा रहा है जो कि कोरोना वॉरियर्स बनकर देश की रक्षा के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और कोविड विक्टिम की सेवा में जुटे हैं। ऐसे में जो भी हैं जो मदद कर रहे हैं लॉकडाउन में घर बैठे लोगों की, उनको शुक्रिया करने के लिए आराध्या बच्चन ने एक पोस्ट बनाया था, एक पेंटिंग बनाई थी और उसमें लिखा था थैंक यू, धन्यवाद, स्टे सेफ, स्टे होम। और डॉक्टर से लेकर नर्स, पुलिस से लेकर आर्मी और तो और टीचर से लेकर मीडिया पर्सन्स और तो और फैमिली की फ़ोटो के साथ साफ सफाई वालों की फ़ोटो बनाई थी आराध्या बच्चन ने। उस तस्वीर को ऐश्वर्या राय बच्चन ने शेयर करते लिखा था माय डार्लिंग आराध्यास ग्रैटिट्यूड एंड लव। आराध्या स्केच वॉज शेयर्ड बाय हर डैडी अभिषेक बच्चन एंड ग्रैंड फादर अमिताभ बच्चन। अमिताभ से लेकर अभिषेक बच्चन सब ने आराध्या के इस पोस्ट को शेयर किया था और अमिताभ बच्चन ने लिखा था यू फील, यू अंडरस्टैंड, यू एक्सप्रेस इवन इफ यू आर एन 8 or 9 ईयर ओल्ड, दिस बाय ग्रैंड डॉटर आराध्या। अभिषेक बच्चन भी बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करते नजर आए थे अपनी बेटी को लेकर जब उनकी बेटी ने ये काम किया था। बताना चाहेंगे हम आपको, आराध्या बच्चन शुरुआत से ही अपने परिवार में बहुत ही ज़्यादा क्लोज रही हैं अपनी फैमिली के बीच, अपने मॉम और डैड की। 16 नवंबर साल 2011 में आराध्या बच्चन का जन्म हुआ। जो सबसे ज़्यादा पेंटिंग की शौकीन नज़र आती हैं, पेंटिंग करना, स्केच बनाना उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब तक आराध्या बच्चन के कई ऐसे स्केच हैं जो सामने आ चुके हैं जिसे ऐश्वर्या से लेकर अभिषेक अक्सर शेयर भी किया करते हैं और काफ़ी उसकी बातें भी किया करते हैं। 9 साल की अपनी बेटी आराध्या के स्केचेस को शेयर करती आई हैं खुद ऐश्वर्या राय बच्चन। और ये आप, हमने आपको एक तो पोस्ट दिखाया आपको, अब हम आपको बताना चाहेंगे और भी कई ऐसे पेंटिंग्स हैं जो कि आराध्या बच्चन ने बनाया है अपनी फैमिली को लेकर, एक नहीं कई पेंटिंग। एक तो ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी ने क्राउन बनाया और लिखा बेस्ट मॉम इन द होल वर्ल्ड विथ वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड। ऐश्वर्या को लेकर आराध्या की ये बात सामने आई थी। जी हाँ, आराध्या बच्चन ने अपनी मॉम को बेस्ट मॉम बताया, बेस्ट मॉम इन द होल वर्ल्ड वाइड ये लिखा था और ये क्राउन बनाया था। मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या की बेटी ने ऐसे स्केच बनाकर अपनी मामा का दिल जीता। तो आराध्या बच्चन अपनी मॉम को दुनिया की सबसे प्यारी माँ, सबसे अच्छी माँ मानती हैं। ऐसी हैं नन्ही परी आराध्या बच्चन, जिनके लिए फैंस का प्यार भी कम नहीं होता, जो हमेशा अपने फैंस
के बीच इस छोटी उम्र में भी लोगों की फेवरेट बनी रहती हैं। वैसे आराध्या बच्चन पेंटिंग करने में माहिर है इतनी ज़्यादा कि किसी ने इससे पहले नहीं जाना था, क्योंकि आराध्या बच्चन इस तरह की बातें कभी शेयर नहीं करती क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी छोटी है। लेकिन परिवार वाले जो हैं वो जानते हैं आराध्या बच्चन इतनी बड़ी शौकीन हैं स्केचेस बनाने की, स्केचिंग करने की, और स्केच करती हैं आराध्या बच्चन छोटी उम्र में, खासकर फैमिली को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, मॉम को लेकर। और आराध्या बच्चन के स्केच की वजह से परिवार भी काफ़ी खुश होता है, क्योंकि आराध्या बच्चन को इस तरह से स्केच करके फैंस को दिल जीतते हुए देखा जाता है। लॉकडाउन में घर बैठकर ऐसे आराध्या बच्चन जो है एजुकेशन कंप्लीट कर रही थी और साथ ही साथ उन्होंने स्केचिंग भी की है। तो इसके अलावा आपको बता दें कि आराध्या बच्चन के और भी कई शौक़ हैं जो आप नहीं जानते हैं। डिवोशनल गाने पर डांस करना, वर्चुअल स्कूल फंक्शन के लिए आराध्या बच्चन ने डिवोशनल गाने पर डांस किया था और सिंग भी करती नजर आई थी वो उस गाने को। अमिताभ बच्चन ये देखकर काफ़ी खुश हुए थे जब उन्होंने डिवोशनल परफॉर्मेंस अपनी पोती को देते हुए देखा था। कई लोग नहीं जानते हैं ऑनलाइन वर्चुअल क्लास के लिए आराध्या बच्चन ने इस तरह से वर्चुअल स्कूल फंक्शन के लिए, वर्चुअल स्कूल दिवाली फंक्शन के लिए इस तरह से डांस परफॉर्मिंग किया, जिसकी वीडियो भी वायरल हुई और इस पर काफ़ी ज़्यादा खुशी जाहिर करते नजर आए ट्विटर पर फैंस आराध्या बच्चन के। नेक्स्ट नाइन न्यूज रूम से तृप्ति ग्रिप। तो दोस्तों, नन्ही गुड़िया आराध्या हो चुकी है पेटी बहुत बड़ी, और ये नन्ही बिटिया ऐश्वर्या राय बच्चन को इस तरह कर देती है भावुक। आपने जाना हमारे खास प्रोग्राम में, आपने जाना कैसे आराध्या बच्चन लोगों की फेवरेट है और कैसे आराध्या बच्चन लोगों के बीच तारीफों में रहती है, कैसे आराध्या बच्चन सबके बीच सबसे अनोखी है। फिलहाल अब वक्त हो चला है दोस्तों यहीं पर आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आपको हमारा ये शो जरूर पसंद आया होगा। तो अगली बार लौटेंगे जल्द नेक्स्ट एपिसोड में कुछ ऐसी ही स्पेशल खबरों के साथ, कुछ ऐसी ही स्पेशल मेमोरीज के साथ, आपके फिल्मी सितारों की रियल लाइफ की स्टोरी प्रेजेंट करने के लिए। तब तक के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया के साथ आप बने रहें, और इसके लिए हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें, और एक भी अपडेट मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।